मुंगेर में महाशिवरात्रि के मौके पर पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के मुंगरोड़ा का बताया जा रहा है। वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे शख्स की पहचान मुंगरोड़ा निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए सदर DSP नंदजी प्रसाद ने कहा है कि जिले में पिस्टल से फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है, जो महाशिवरात्रि की रात का है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंदन कुमार के घर छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो के आधार पर त्वरित छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा उक्त वायरल वीडियो का सत्यापन करते हुए पहचान के पश्चात छापामारी किया गया, जिसमें ग्राम मुंगरौरा का चंदन कुमार को पहचानोपरांत गिरफ्तार किया गया। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया है, जिसमें एक पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 2 छोटा अवैध आर्म्स, 315 का करीब 30 गोली और 7.65 mm का 17 गोली बरामद किया गया है। वायरल वीडियो का अन्य लोगों का पहचान किया जा रहा है। अभी इसमें आगे की कार्रवाई जारी है और लोगों की भी गिरफ्तारी। सर, ये जो वायरल वीडियो हुआ तो दिन का ऐसा लग रहा है कि शिवरात्रि का दिन नाच गाना के समय पिस्टल लहराते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था। सर, ये जो गिरफ्तार है चंदन कुमार, ये इस पे क्या आरोप है? पूर्व में जेल जा चुके हैं या क्या? ये पहले भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुके हैं। गौरतलब है कि गिरफ्तार युवक पूर्व में ही आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है और कुछ समय पूर्व ही जेल से छूटकर आया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इतिहास की रिपोर्ट।